Our second work is Urdu. Take out your Urdu notebook at this page. Today our friends are an, a, ghain, g. An, a, ghain, g. यहाँ पे आपने रेट लिखनी है मामा की मदद से. चले आए आपको बोर्ड पे बताते हैं इनको कैसे लिखना है. ओके, एन को हम कैसे लिखते हैं? दरम्यान में दो लाइनों में छोटा सा सी की तरह का बना के यूँ पीछे की तरफ घुमाएंगे. एन वैन व, देखिए ऐसे सी की तरह बनाए. एन वैन व. अब हमारी उर्दू की रीडिंग है. टेक आउट योर जुगनू उर्दू अमली किताब एट पेज नंबर 91. लुक एट द बोर्ड. पहले हमारी रियन करेंगे. पीछे से हम पूरे लेटर्स ब, प, त, ट, जा, चा, हा, खा, दा, डा, रा, जा. और आज का हमारे जो लेसन है सा शा. आपको पता ना हमने सारे जो हरूफ थे उनकी अलिफ से दोस्ती करवाई थी, तो तब हमारे पास ये वाली हम तोड़ के पढ़ चुके हैं. अब हम इनको जोड़ के जो लिखा हुआ ना उसको वैसे ही जोड़ा हुआ पढ़ेंगे. ब, प, त, ट, जा, चा, हा, खा, दा, डा, रा, जा. और जो नया जो हमारा लेसन है आज का सा शा, सा शा, सा शा. सा शा में डिफरेंस ये है कि शाह के ऊपर, स्वा के पास तीन कैंडियाँ होती हैं. शाह के पास, स्वा के पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो इसकी ऐसी आवाज निकलती है सा और शा. सा शा, सा शा. मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी. बार बार इनको पढ़िए, बार बार देखिए, रीडिंग कीजिए और अपना ख्याल रखें. स्कूल खुलने वाले हैं, जल्दी मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.